होली पानी का नहीं रंगों का त्योहार है और चूंकि होली नजदीक ही आ रही है तो इस लाइन का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इसी लाइन पर फिलहाल काम कर रही हैं और जानते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है और होली को लेकर वो क्या नया लेकर आए हैं। नमस्ते। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। हमारा मानना है कि आमतौर पर जब लोगों को बोलते हैं कि होली पानी से नहीं रंगों से खेलना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कलर्स को थोड़ा मज़ेदार बनाया जाए, क्योंकि आमतौर पे कलर्स लोगों को लगता है कि सिर्फ टीका लगाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट लाया है, ऐसे हम लोगों ने पोटलियाँ बनवाई हैं सुंदर सी। इसको जब आप खोलेंगे तो ऐसे कलर निकलेगा और इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ ऐसे तो कलर एकदम से आ जाता है, जैसे कि पाउडर पफ होते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक सुंदर सा कंसेप्ट लाए हैं हम लोग होली के लिए, क्योंकि पानी का त्यौहार नहीं है, रंगों का त्यौहार है। आपके साथ क्या और भी लोग शामिल हैं और टाइम टाइम पे आप इस तरह की और भी गतिविधियां करते रहते हैं? हाँ जी, मेरे साथ में एक और मेरी फाउंडर मेंबर है मनसा खंडेलवाल, और उसी के साथ में हमारे साथ 24 बच्चे जुड़े हुए हैं इंदौर के अलग अलग स्कूल से। हम लोगों का जो कंसेप्ट था, हम लोग अलग अलग स्कूल्स में जाके सेशंस लेते थे, क्योंकि हमारा मानना है कि आने वाली पीढ़ी को तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीढ़ियों को अगर तैयार करना है तो उन्हें एक सेशंस लिया जाए। तो सेशन जब लिए तो ये बच्चे हमसे जुड़ते गए, बोले कि दीदी आपने जितना सब कुछ हमें बताया है हम लोग करें कहाँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है कुछ। तो हमने इसलिए ये किड्स क्लब बनाया और धीरे धीरे उसमें तकरीबन 24 बच्चे भी जुड़ चुके हैं, और हर थोड़े थोड़े टाइम में हम लोग उनसे कुछ नया करवाते रहते हैं और जो इनकी इच्छा होती है। हर बार इन लोगों के हर थोड़े दो महीने में, एक महीने में हम लोग इनसे पूछते हैं कि तुम लोग क्या करना चाहती हो, क्योंकि ये तुम्हारी संस्था है। ये लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हैं कि इनकी संस्था है। जैसे कि जब स्वच्छ अभियान बहुत चला था, जोरों पर था, तब बच्चे बोले कि अरे दीदी स्वच्छ अभियान हमें भी करना है। तो जो इंदौर का फेमस एरिया है छप्पन, वहाँ पे इन बच्चों ने जाके साफ सफाई करवाई, और उसका नतीजा ये रहा कि जब ऐसे वहाँ जाके साफ सफाई करी तो वहाँ के दुकानदारों को शर्म आ गई कि ये बच्चियाँ हमारे घर पे आके साफ सफाई कर रही है, तो हम इतना सा हमारा घर साफ नहीं रख सकते। तो उन लोगों ने डस्टबिन इंस्टॉल करवाए। फिर इन लोगों का कभी मन हुआ कि दीदी होली पे कुछ करना है, पानी बचाना है, तो भैया हम लोगों ने ये कंसेप्ट लाया। फिर कभी इन लोगों ने बोला हमने जो गांव गोद ले रखा है वहाँ पे जाके काम करा, तो वहाँ पे जाके इन लोगों ने समर कैंप्स लिए हैं। बोले दीदी हम लोग जाते हैं समर कैंप्स पे, उन लोगों का क्या? तो उन लोगों को ये लोग जाके वहाँ सिखाए कि कलर्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह से गेम्स होते हैं। तो वो एक कंसेप्ट था हम लोगों का। जैसा कि आपने बताया कि आपने गाँव गोद ले रखा है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे डिटेल में कि आप वहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ करते हैं और कैसे उन लोगों को रोजगार मिलता है, मतलब ये जो काम है ये मजे में किस तरह परिवर्तित होता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जो हमने ये गाँव गोद ले रखा है ये इंदौर से कुछ 20 किलोमीटर दूर है, देवगुराड़िया मंदिर की तरफ। वहाँ पे हम लोग पिछले 2 साल से जा रहे हैं, और हम लोगों ने वो गांव इसलिए गोद लिया, जब हम लोग गए तो हमें बहुत बुरा लगा कि इंदौर के कुछ इतना करीब जो जगह है वहाँ पे इतना बुरी स्थिति कैसे हो सकती है। आप बस एक रोड टर्न करेंगे और आप शहर की तरफ आ जाते हैं, तो भी इतनी बुरी स्थिति क्यों है? तो हमने सोचा वहाँ कुछ करना चाहिए, तो वहाँ बच्चों को जोड़ा। फिर जब वहाँ धीरे धीरे उस गाँव को हमने जाना तो हमें लगा कि बहुत कमियाँ हैं उस गांव में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक होती है, नेसेसिटीज़ होती हैं, और वो नहीं मिल रही है। तो हमने वहाँ पे जब जाना धीरे धीरे तो समझ में आया कि वहाँ महिलाओं की स्थिति वाकई बहुत बुरी है। अक्सर एनजीओस बहुत काम करती है, पर हमें जब रियलिटी में समझ में आया कि क्या है, क्योंकि आमतौर पर उनकी आमदनी है महिलाओं की वहाँ 100 से 120 रुपये पर डे, और वो लोग वहाँ जाके खेतों में मजदूरी करते हैं, और वहीं पुरुषों की वहाँ पर है 400 से 500 रुपये, वो बहुत ही अंतर है। तो हमें बहुत खराब लगा वो चीज़ कि इतना अंतर कैसे, आप एक ही काम कर रहे हो। तो हमने सोचा वहाँ महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने वहाँ पे कुछ 20-21 महिलाएं हमारे साथ इकट्ठी हुई, धीरे धीरे करके उन्हें जाना पहचाना, तो उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो पहले हमने सोचा कि वहाँ पे हम लोग मोबाइल कवर्स बनवाते, क्योंकि मोबाइल कवर्स बहुत चलते हैं, लोग खर्च भी करते हैं उस चीज़ों में, तो हमने मोबाइल कवर्स बनाने सिखाए। फिर हमें लगा अब क्या करें, तो वहाँ पे लड़कियाँ पार्लर का कोर्स करना चाहती थी, तो किस्मत से हमें वहीं की एक लड़की मिली जो पार्लर का कोर्स सीख चुकी थी, तो उसी ने वहीं की उसकी दोस्तों को सहेलियों को सिखाया। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उनके गांव के लिए कि हमारे गांव की लड़की ही अपने बाकी लोगों की मदद कर रही है, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर आगे उठे। उसी के दौरान हम लोगों ने जब होली आई तो ये पोटलियाँ उनसे बनवाई, क्योंकि हम चाहते थे कि उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिले। ये सिखाने तक का तो ठीक है, पर बेचने के बाद का भी पैसा उन्हें मिलना चाहिए। तो हमने जब ये पोटलियाँ बनवाई इनसे, तो वो लोग अपना पूरा काम कर आती हैं, मजदूरी कर आती हैं, और उसके बाद रात में आके ये लोग बनाती हैं।
तो उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सके उतना हम लोग गाँव में करें। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये मजेदार तो है ही, पर जो ये पोटलियां हैं ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करें। फिर हमसे लगा कि यार हम लोग जो पैसा कमाएंगे उसका क्या, तो हमने वहीं के बच्चों के पढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि वहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि बच्चे को शेप्स, कलर्स, रंग कुछ भी नहीं मालूम है। तो जो बच्चों के खिलौने आते हैं अच्छे, जिनसे डाल के या ऐसे खेल से सीख सकते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित कैसे होंगे। गांव में बच्चों को मन नहीं लगता है स्कूल में, तो कैसे, तो स्कूल को अच्छा बनाना है। तो इससे जितना पैसा इकट्ठा होगा हम लोगों का, हम सब कुछ वहीं डालेंगे। फिर और हमने सोचा कि और क्या कर सकते हैं गांव में। धीरे मालूम पड़ा धीरे, अरे रात में महिलाएं काम करी, लाइट नहीं है तो क्या करें। कॉमन एरिया में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी लगवाई। तो ऐसे बहुत सारे काम है, और ऐसा है कि ये सिर्फ हम होली तक सीमित नहीं रखते हैं। हम लोगों को आमतौर पर एनजीओ के लिए लोग बाग बोलते हैं कि यार ये लोग त्यौहार खत्म कर रहे हैं। हमारा वो पर्पस बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हम लोग रंग बेच रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे त्यौहार जीवित रहें। तो त्यौहार की अगर हम बात करें तो आम इन भारत में कम से कम दिवाली बहुत ज़्यादा मान्य रखती है। तो दिवाली पे हमने दो बहुत बड़े कैंपेन करे थे गांव वालों के लिए। पहला कि हमने अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं दिवाली के टाइम पर, और क्या होता है कि हम लोग खाते नहीं हैं इतना। शहर में तो लोग बाग आजकल इतने डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे ये नहीं खाना, और आपके यहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए भी आप लोग फ्रेश मिठाइयाँ लाते हैं दिवाली पे कम से कम। तो इतनी मिठाइयाँ होती है, तो हम लोगों ने दिवाली के अगले दिन इकट्ठी करी मैं सारी मिठाइयाँ और वहाँ पर जाके बांटी। पर हमें उस टाइम लगा कि अरे ताज़ी मिठाइयाँ भी तो होनी चाहिए। तो पहले दिवाली के एक दिन पहले गए वहाँ मिठाइयाँ और नमकीन लेकर आए, और फिर अगले दिन दिवाली के फिर गए एक्स्ट्रा मिठाई, क्योंकि उनके लिए तो जितना है उतना कम है। फटाकों में पैसे डालने से अच्छा है कि हम वहाँ डालें, क्योंकि दिवाली पूजा के लिए त्यौहार है, फटाकों मतलब के लिए त्यौहार नहीं, के लिए नहीं, औरों को खुशियां बांट के त्यौहार ज्यादा अच्छे से मनाए जा सकते हैं। जरूर। इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस गांव में आप महिलाओं और बच्चियों को भी शामिल करते हैं अपनी इन चीजों में, बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं वो लोग? जाहिर है वो लोग बेहद खुश होंगे, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती है वहाँ से? वहाँ से हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल से जा रही हूँ उस गांव में। तो शुरू के 1 साल वो लोग मुझसे इतने खुले नहीं थे, अब धीरे धीरे करके वो लोग अपनी दिक्कतें मुझे बताने लग गए हैं। जब मैंने उनसे बोला कि ये बनाओ, तो एक लड़की आई मेरे पास, बोलती दीदी मेरे पापा मना कर रहे हैं, आप बात करोगे तो वो मान जाएंगे। और मैं गई उसके पिताजी के पास, मैंने बोला अंकल भैया आप इसको बनाने क्यों नहीं दे रहे हो, मैं हूँ ना आपके साथ। अच्छा ठीक है आप ले जाओ। 1 सेकंड देर नहीं लगा, मैं बस गई। तो ये अपने आप पे मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे बोलने से अगर किसी का भला हो रहा है, विश्वास जीत पाए हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इतने अच्छी प्रतिक्रिया रहती है। मैं आती हूँ वहाँ से, मैं कभी गांव से खाली हाथ नहीं लौटती हूँ। कोई मुझे जरा से आलू दे देता है, जरा से सब्जियाँ दे देता है, कुछ भी। तो वो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है अपने आप में, उन लोगों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी रहती है। और हर 2 दिन में मेरे पास गांव से फोन आ जाता है, दीदी आप कब आ रहे हो, अब कब आ रहे हो। तो हर संडे यूजुअली हम लोगों का फिक्स रहता है कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोगों के अपना फोन आ जाती है, दीदी अब कब आ रहे हो, ये लेकर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ये खत्म हो गया, ये बनाना है। तो वो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, वो लोग बहुत एक्टिवली अब हम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं चीजों के लिए, वो खुद करना चाहते हैं कि अब दीदी आप जो बोलोगे हम आगे करने को तैयार हैं आपके हिसाब से। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, आपकी जो संस्था है इसका नाम है मृत्युंजल, थोड़ा सा डिफरेंट है, मृत्युंजय नाम सुना है लेकिन ये पहली बार सुन रही हूँ, तो इसकी कोई खास वजह? मृत्युंजल जैसा कि आपने बोला मृत्युंजय जैसा लग रहा है, तो ये नाम हम लोगों ने मृत्युंजय से ही लाया है। मृत्युंजय जाप आप करते हो मृत्यु को दूर करने के लिए, भगाने के लिए। तो हमने सोचा कि मृत्युंजय जल इसलिए लाया क्योंकि पानी इस स्थिति पे हमने ला चुका है कि जल को खुद के लिए मृत्युंजय जाप करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मृत्युंजल। और बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि इतना नेगेटिव नाम क्यों रखा है। आमतौर पर लोगों की प्रतिक्रिया रहती है कि तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो पर तुम्हारा नाम मृत्युंजल, मृत्यु क्यों है? तो हमने बोला कि यही स्थिति है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस फैक्ट को कि हम लोग कहीं ना कहीं पानी को मृत्यु की कगार पर ही ला रहे हैं, और कुछ छोड़ा नहीं है हम लोगों ने पानी के लिए, तो मृत्युंजय जाप से मृत्युंजल। मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है क्योंकि एक तो मैं अच्छा भी कर रही हूँ कुछ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने पर्यावरण के लिए कुछ करने में। तो और ये कलर्स हमने बनाए हैं, ये इतने इनके साथ खेलने में इतना मज़ा आता है कि पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है।
और इसका जो पैसा है वो गांव में जा रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। आपसे भी जानना चाहेंगे इस कैंपेन के बारे में और अपने कुछ एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगता है आपको करते हुए, मजा आता है? मुझे बहुत मजा आया, आज मेरा फर्स्ट डे था okay. तो आई लव्ड इट, और मतलब मुझे और इच्छा हो रही है कि मैं और ऐसी चीजें करूं। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर 20 सेकंड में बहुत से लोग पानी की वजह से मर रहे हैं, उनको पानी पीने को नहीं मिलता। तो हम लोगों ने यही सब चीज़ें सारे लोगों को बताया, जो उन लोगों ने ये सब समझा और हमारी मदद करी, पोटलियाँ खरीदी जिससे हमें पैसे मिले, और अब वो हम वो पढ़ाव गांव में जाके देंगे।